स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे साइंस एंड फन 9th 10th 11th एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। सो फाइनली जिस दिन का था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई है आज, यानी कि अब आप सभी का है SSC का एग्जाम। आप लोग अपना हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का एग्जाम तो बेहतरीन तरीके से देके आए ही है, अब बारी SST की है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप लोग SST जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा कॉर्नर करके चलते हैं, मतलब आप में से कुछ बच्चे तो स्पेशली पूरे साल SST नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं एग्जाम डेज में पढ़ लेंगे। और इस बार भी किस्मत ने आपका साथ दिया है। मैं बताती हूँ कैसे। आपको मिले हैं पूरे 4.5 दिन और हमारे पास है 4 किताबें, तो मैंने आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से डिजाइन की है जिससे आप आराम से 3 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे एंड लास्ट डे आपको रिविजन के लिए भी मिलने वाला है। लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करने से पहले एक चीज आप लोगों से मांगूंगी और वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट। दिस इज द मेन एलिमेंट टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपने मेंटोर पे पूरा विश्वास करना होगा। और विश्वास करें या ना करें, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप लोग जो मुझे पहली बार भी देख रहे होंगे, विश्वास करें या ना करें वो आप लास्ट टाइम की मैराथॉन्स के नीचे के जाके कमेंट्स देख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे प्यार देख सकते हैं बच्चों का जो हमने 21 डेज चैलेंज चलाया एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं यहाँ अपनी नहीं, आप लोगों की तारीफ के लिए आई हूँ। वो ये है कि आप में से जितने भी बच्चे मेरे साथ आज यानी कि 2 मार्च से जुड़ने वाले हैं, ये विश्वास और आश्वासन है कि आप लोग जब 7 मार्च को एग्जाम देने जाओगे तो आपको उस एग्जाम का एक एक सवाल, आपको उस क्वेश्चन पेपर का एक एक सवाल पता होगा, देखा हुआ होगा और आता भी होगा। कैसे आंसर लिखें, क्या लिखें, किसको कैसे अटेम्प्ट करें, क्या पहले करें, क्या बाद में करें, क्या छोड़ें, क्या ना छोड़ें, वो सारी चीजें आपको इन आने वाले सेशंस में क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ये मेरा वादा है। बस आप लोगों से मुझे भी ये वादा चाहिए कि कमेंट्स में अभी स्ट्रैटेजी शुरू होने से पहले लिख दीजिएगा वी ट्रस्ट यू मैम, क्योंकि आपका ट्रस्ट मेरे को मोटिवेट करेगा एंड आई विल ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू। और वही कंटेंट जो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि हमारी सेटिंग है यार, समझ लो सेटिंग है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उन बच्चों के लिए जिनको SST का SB नहीं पता है, यानी कि नहीं पता है कि इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं, हर एक किताब की क्या वेटेज है, उसके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है कि 4 किताबें हैं बच्चों हमारी, इको, सिविक, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और पिछली बार हमें ये डाउट हो रहा था कि हो सकता है हिस्ट्री और सिविक्स 25-25 नंबर की आए, ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन मैंने अभी डेटा चेक किया तो 20 मार्क्स ईच दिया जा रहा है हर एक बुक को। इको में 4 चैप्टर हैं, सिविक्स में 5 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं एंड ज्योग्राफी में 5 चैप्टर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको मुझ पे विश्वास करना होगा कि कैसे हम आगे अपना सिलेबस करेंगे। यानी कि मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला, मैंने यूट्यूब पे पोल डाला, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे पोल डाला, जहाँ बच्चों ने यही बोला, मैम आप जो कहोगे हम वो करेंगे। मैंने कहा चारों बुक में से कौन सा करना चाहते हो, या मैंने एक ऑप्शन दिया कि जो मैं कहूंगी। उन्होंने कहा आंख बंद के भरोसा है यार आप पे, आप जो बोलोगे वही हम करेंगे। तो मेरे पे विश्वास रख के मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ Day 1 यानी कि 2nd of March को कंप्लीट इकोनॉमिक। रीजन भी बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग 2nd March को अपना साइंस का एग्जाम दे के आओगे, थोड़े से एग्जॉस्टेड होगे, थोड़े से टेंशन में होगे, 1-2 सवाल गलत हो गए होंगे, थोड़े से खुश होगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी होगे अगर आपका बहुत अच्छा गया है तो। लेकिन इस सभी चीजों को लेवल पे लाने के लिए आई विल बी टेकिंग द इजिएस्ट बुक येट द इक्वल वेटेज वाली बुक, यानी कि 20 मार्क्स ही लेके आएगी। लेकिन आपको मात्र इसमें 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, जिसमें से आपका 20 मार्क्स से 14 मार्क्स प्लस का वेटेज बनने वाला है। 13-14 मार्क्स ही 2 चैप्टर आपको दिलवा देंगे। तो आज हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स ना सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, हम करेंगे इसके सारे PYQs, टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव्स वी विल बी डूइंग इन टुडेज क्लास। हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं शाम को 6 बजे, आज ही शाम को 6 बजे। आई वॉन्ट यू ऑल एंड आई प्रोमिस, अगर आप इस क्लास में आते हैं तो आप मेरी कोई भी क्लास छोड़ने तो नहीं वाले, ये मुझे पता है। ये मुझे अपने पे विश्वास कि मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगी आपको रिलेट होगा अपने प्री बोर्ड से, अपने क्लास टेस्ट से, एंड आप लोग इसको ड्रॉप तो नहीं करोगे। तो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं हम सारे PYQs के साथ आज शाम को 6 बजे। फिर हम लोग मिल रहे हैं कल
यानी कि डे टू 3 मार्च करने वाले कंप्लीट सिविक्स। मैम हिस्ट्री ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर पहले ही कर लोगे तो फिर से भूल जाओगे, तो इसीलिए विश्वास ट्रस्ट शुरू में ही कह दिया, ट्रस्ट करना है ठीक है ना। अभी तो यार अच्छे अच्छे बच्चे SST भूले बैठे हैं, 15 फेब से पढ़ ही नहीं रहे हैं, 15-20 दिन हो गए तो भूल चुके अच्छे अच्छे बच्चे, मैं उन बच्चों के सभी की बात कर रही हूँ। तो कंप्लीट सिविक्स करने वाले हैं हम, अगेन सारे MCQ सारे PYQ साथ में करेंगे, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे, जब तक चलेंगे 5 के 5 चैप्टर्स पढ़ाएंगे आपको जब तक है जा। लेकिन SST इज अ सब्जेक्ट टू डू सेल्फ स्टडी करना अनिवार्य है, और वो कितनी की है ये जानना भी अनिवार्य है। तो इसीलिए YouTube पे मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगी, यहाँ पे टेस्ट ऑफ इको जो हमने कल रात को करी एंड देन सिविक्स जो हमने सुबह कर, इन दोनों चीजों का आपका होगा टेस्ट। कुछ सब्जेक्टिव कुछ MCQ मैम टेस्ट कैसे होगा, आप क्रॉस चेक करेंगे, आप अपने आप को जज करेंगे, बिना चीटिंग के मम्मी कसम खा के टेस्ट शुरू करेंगे। इसका टाइम यहाँ पे डिपेंड करेगा कितने बजे क्लास खत्म हो रही है, एक पोल लगेगा कि कब तक आप तैयारी कर सकते हो। आप बोलोगे मैम रात के 10 बजे आ जाओ, मैं 10 बजे आ जाऊंगी, रात को 8 बजे आ जाओ, मैं 8 बजे आ जाऊंगी, शाम को 6 बजे ही आ जाओ, मैम इको और सिविक्स तो कर लेंगे, 6 बजे आ जाऊंगी। जब आप बोलोगे मैम हाजिर हो जाएंगी, इसलिए शाम का टाइम डिस्क्लोज नहीं किया है, हर एक लाइव के टाइम पे और कम्युनिटी पोस्ट के हेल्प से मैं आपको वो बता दिया करूंगी। नेक्स्ट Day 3, 4th March आ गई हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री भैया मेरी USP है, हिस्ट्री में वही करेंगे जो पेपर में आने वाला है, हमें पूरा पूरा यूरोप नहीं करना, हमें पूरा पूरा प्रिंट कल्चर नहीं करना जिसमें सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है, हम करेंगे वही जो पेपर में आएगा। और जैसे कि बताया CBSE से बातचीत है, हमें पता है कि पेपर में क्या आ सकता है, तो हिस्ट्री करेंगे 4 के 4 चैप्टर अपडेटेड वेटेज के साथ, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड यूरोप इंडिया एंड प्रिंट कल्चर। एंड देन शाम को ऑफ कोर्स हिस्ट्री का टेस्ट, हिस्ट्री ज्यादा रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत इको सिविक्स भूल ना जाओ तो बीच में डलेगी ताकि आप लोग उसको भूल ना जाओ। Day 4 में करने वाले कंप्लीट ज्योग्राफी। मैम ज्योग्राफी इतनी लास्ट में क्यों, ज्योग्राफी हमारी है लर्निंग, लर्निंग जितनी लास्ट में रखोगे उतनी रिटेन कर पाओगे, पहले ही कर लोगे तो बाकी बुक्स के बीच में भूल जाओगे। अक्सर टीचर्स ये गलती करते हैं, ज्योग्राफी को सबसे पहले लेते हैं, ना 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 ना, ज्योग्राफी लास्ट में ताकि आपको वो लास्ट तक याद रहे, ताकि वो आपको लास्ट तक याद रहे। तो हम लोग लाएंगे कॉम्पैक्ट नोट्स, टेबल की फॉर्म में क्रॉप्स बताई जाएंगी, मिनरल्स बताए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बताई जाएंगी, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन यस, इस वाले टॉपिक में यानी कि ज्योग्राफी में आपको सेल्फ स्टडी की भर भर के आवश्यकता होगी, तो जब आप बोलोगे तब टेस्ट होगा, अगेन शाम का टाइम आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगी। Day 5 चारों किताबें खत्म हो चुकी है, तो सुबह मिल रहे हैं हम कंप्लीट SST के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कर लेंगे, MCQ पिक्चर बेस केस बेस सब कुछ। और शाम को धमाकेदार सैंपल पेपर करने वाले हैं हम लोग, मैं खुद उसको डिजाइन करूंगी, किसी जगह से कुछ आएगा किसी जगह से कुछ आएगा, मिक्स एक सैंपल पेपर होगा जिसे हम पूरा आराम से 2-2.5 घंटे लगा के करेंगे, क्योंकि इस सेशन को हम जल्दी से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल की USP 80-20 रूल मिलने वाला है आपको अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह तड़के कुकड़ू कू की बांग के साथ आपको मिलने वाला है 80-20 रूल। और जैसे कि मैंने अपनी एक रील जो बहुत वायरल भी हुई थी बताया था कि अगर हम सुबह उठ के इंस्टाग्राम की रील चला रहे हैं तो हमारे दिमाग में मोए मोए और क्या क्या गाने चलते रहते हैं, गल्ला देवेश टोए टोए, लेकिन अगर हम सुबह पढ़ रहे हैं आप बस बैठ के ईयरफोन्स लगा के मुझे सुबह सुबह सुन रहे होगे तो आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्लिक करेंगे आंसर्स, ऐसे अरे ये तो सुबह सुना था, अरे ये तो ऐसे था, अरे ये तो वैसे था, सुबह सुबह पढ़ी हुई चीज याद रह जाएगी, क्लिक करेगी माइंड में, यू विल बी डूइंग द बेस्ट। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इको में अभी तक मैंने यूट्यूब पे G20 नहीं पढ़ाया था, तो आज मैं आपको G20 भी पूरा पढ़ाऊंगी, G20 पूरा पढ़ाऊंगी। डाउट है आ सकता है या नहीं, तो बस ये G20 पूरा आपको कराया जाएगा। लास्ट चीज मैं आप लोगों से एक यही कहूंगी कि एक महान आदमी, और महान आदमी है हमारे प्यारे आशु सर, साइंस एंड फन के मालिक, ने कहा है कि अब एग्जाम में नहीं होगा मोए मोए, अब एग्जाम में नहीं होगा मोए मोए, क्योंकि अब होगा बस ओए होए 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 होए। सो यस, सी यू ऑल टुडे, आई एम ऑल गियर्ड अप, आई होप यू ऑल आर रेडी टू मीट मी एट 6 PM, भूलना नहीं है, मिलते हैं शाम को 6 बजे। आई लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।